जल्दी रिएक्शन देते तब वक्त नहीं लगाते। हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड दीपिका की दुनिया में वेलकम बैक। छुट्टियां खत्म करके अब तो छुट्टियों की बड़ी याद आती है, स्पेशली अगर छुट्टी में कुछ अच्छा खाया हो ना, तो जैसे कि हमने खाया था पानी पूरी, आप लोगों ने देखा होगा ना लोनावला में मैंने पानी पूरी बनाई थी, तो आज मेरे मतलब बहुत मन कर रहा है कि वो खाऊं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक चाट पार्टी की जाए, और फिर मैंने सोचा कि अगर मैं चाट बना ही रही हूँ तो मैं आप सबके साथ शेयर भी करती हूँ। अरे क्योंकि दिवाली आने वाली है एंड दिवाली चाट के बिना अधूरी होती है ना। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि एक छोटा सा चाट टेबल कैसे प्रिपेयर किया जाए। सो सबसे पहले हम बनाएंगे इमली की चटनी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इमली की चटनी ऐसी चीज होती है जो मेन चाट का आपका फ्लेवर एनहेंस करती है, तो वो करेक्ट होना बहुत जरूरी है। सो देखिए, वैसे तो मैंने बाकी तैयारी भी करके रखी है, ये पानी पूरी का पानी, ये फिलिंग, ये बूंदे। सो पहले हम इमली की चटनी रेडी करते हैं। सबसे पहले ये मैंने पैन रख दिया है, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल। सो मैंने यहाँ पे 300 ग्राम्स इमली ली थी और मैंने उसको ओवरनाइट पानी में भिगोया था, और ये देखिए इस तरह से मैंने एक थोड़ा थिक सा पल्प निकाला है इसका। सो वंस द ऑयल इज गरम, इसमें हम डालेंगे साबुत जीरा एंड बड़ी सौंफ। मुझे सौंफ ज्यादा अच्छी लगती है इसलिए मैं ये पूरी डाल दूँ, फ्लेवर बहुत कमाल का आता है। ये देखिए, ये हल्का हल्का सा स्प्लैटर हो गया, उसे बिल्कुल भी जलाना नहीं है, और ये हम अपना पल्प इसमें डाल देंगे। और ये चॉप करके रखा है गुड़, ये लगभग 800-900 ग्राम्स ऑफ गुड़ है, जो बड़ा वाला डार्क गुड़ का ब्लॉक आता है ना, मैंने वो पूरा लिया है क्योंकि मीठी चटनी है तो मिठास अच्छी खासी होनी चाहिए, और मुझे मैं शुगर खजूर कुछ भी नहीं डाल रही हूं इसलिए मैं ये पूरा इसमें डालूंगी। पानी पूरी का पानी बनाते हैं एंड ये देखिए मेरे न्यू मिक्सर में मैं बना रही हूँ, एक्साइटमेंट ही अलग होती है। सो यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 बंच ऑफ हरा धनिया, इतना बंच था, एंड हाफ से थोड़ा सा ज्यादा बंच ऑफ पुदीना, और मैंने यहाँ पे 6 हरी मिर्च ली है, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। So, ये मैं इसमें डाल दूंगी, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, आपको फाइन चॉप करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बिकॉज अल्टीमेटली हमें इसे ग्राइंड ही करना है। So, ये बहुत थिक पानी रेडी हुआ है, ये हम यूज नहीं करेंगे, इससे तो हालत खराब हो जाएगी। इसमें अभी हम कम से कम 2-3 लीटर पानी डालेंगे और मसाले डालेंगे, मैं बताती हूँ आपको, ये तो होना ही है ना, इतना कुछ ना गिरा ऐसा हो सकता है। खैर एनीवेज, ये देखिए इसका कलर देखिए, चटनी का इतना यम लग रहा है। सबसे पहले लाल मिर्च, ये मैं 1 चम्मच डालूंगी, ज्यादा नहीं। काला नमक 2 चम्मच, ये सॉल्ट यानी ड्राई जिंजर पाउडर 1 चम्मच एंड जीरा पाउडर 1-1.5 चम्मच। अभी इसमें सारे रिक्वायर्ड मसाले जा चुके हैं एंड इसे हम थोड़ी देर पकने देंगे, करीब 15-20 मिनट एकदम लो फ्लेम पे, ताकि थोड़ी और थिक हो जाए एंड प्रॉपर अच्छा टेस्ट आ जाए, एंड देन योर चटनी इज रेडी। इसमें 3 लीटर पानी डाला है मैंने फिलहाल, बाद में हम डिसाइड करेंगे। तो इसमें अब मैं डालूंगी 2 बड़े नींबू। सो अब एवरेस्ट का पानी पूरी मसाला मैं यूज कर रही हूँ, आपको जो अच्छा लगता है आप वो यूज कर सकते हो। इसमें हम डालेंगे लगभग 2-3 बड़े चम्मच, मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, आप 3 बड़े चम्मच डाल सकते हो, एंड लास्ट में ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा चाट मसाला।
सो ये हमारा पानीपुरी का पानी जो है वो रेडी हो चुका है, बहुत ही टेस्टी बना है। आप भी ट्राई कीजिए, अपने स्वाद के हिसाब से आप मसाले ऊपर नीचे कर सकते हैं। एंड हैव अ लुक, हमारी चटनी भी रेडी हो चुकी है। देखिए अभी आपको भी समझ में आ रहा होगा, ये ऑयल अलग अलग हो गया है एकदम, और इसे आप एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में बहुत समय तक स्टोर कर सकते हैं। सो ये भी हो गया है। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट मैं आपको पहले बताती हूँ पानीपुरी की फिलिंग और उसके बाद लास्ट में दही बड़े। ओके, सो पानीपुरी का पानी मैंने फ्रीजर में डाल दिया ताकि वो एकदम चिल्ड हो जाए। अब उसकी फिलिंग, ये देखिए, ये मैंने कुछ आलू बॉइल कर लिए हैं क्योंकि मैं ज्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, तो लगभग 7-8 आलू हैं। ये मूंग की दाल मैंने थोड़ी देर भिगो के फिर बॉइल कर ली थी। एंड ये है नमकीन बूंदी और ये थोड़ा सा गर्म पानी है, ये आप इसमें डालोगे एंड फिर निकालोगे। साथ में लाल मिर्च पाउडर एंड चाट मसाला, ये हम इसमें डाल देंगे। जो पानी है वो वार्म है, बॉइलिंग हॉट नहीं है, हमको बॉइलिंग हॉट नहीं चाहिए। और इसको आप थोड़ी देर छोड़ दीजिए। ये देखिए, ये सारे आलू को मैंने इस तरह से मैश कर लिया है और इसमें ये बूंदी एक बार थोड़ी सॉफ्ट हो जाए फिर मैं वो मिक्स कर दूंगी। तो ये देखिए, बूंदी एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसे अच्छे से पानी पूरा निचोड़ देंगे। इसमें अभी हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, चाट मसाला। ये डालने से ना वो ब्लैंड नहीं लगता, थोड़ा सा इसमें भी फ्लेवर आ जाता है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड हमारा फिलिंग रेडी है। सो अभी मैं दही वड़े का बैटर पीस रही हूं। ये मैंने उड़द की दाल जो है वो ओवरनाइट भिगो के रखी थी पानी में, अब मैंने उसको अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। अब मैं इसमें डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के, जितना हो सके उतना कम पानी डाल के, इसमें नमक डाल के मैं इसे पीस लूंगी। अब बहुत सारे लोग इसमें, कोई अजवाइन डालता है, कोई जीरा डालता है, कभी मैंने अदरक भी कुछ लोगों को डालते हुए देखा है, पर हमें प्लेन पसंद है। आपके चॉइस के अनुसार आप चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं। सो मैं बहुत सारे लोगों के लिए बना रही हूं, इसलिए मैंने फुल 1 kg स्प्लिट उड़द दाल जो है, जो टूटी हुई उड़द होती है वाइट, वो भिगोई थी। आप अपने हिसाब से कम बना रहे हैं तो आप 1/2 kg ले सकते हैं, इसमें कोई प्रपोर्शन तो है नहीं, बस आपको भिगो के इसे पीसना है और फिर इसे फ्राई करना है। पीसने की कंसिस्टेंसी मैं आपको बताती हूँ। सो ये देखिए, हमने इतनी थिकनेस रखनी है ताकि इसके अच्छे से वड़े बना के हम फ्राई कर सके। इसको फ्राई करेंगे, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। एंड वड़ों का हमेशा होता है कि जब आपने बैटर पीसा है आपको तुरंत फ्राई कर लेना है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि आपने कल पीसा, आज फ्रिज में रखा और फिर आप उसको फ्राई कर रहे हो, तो वो वड़े अच्छे नहीं बनते हैं। जब आपने पीसा, इमिडिएटली विद इन 10-15 मिनट्स स्टार्ट फ्राइंग है। तो ये मैंने मीडियम हीट पे किया है फ्राई और ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल दूंगी। दाल, बूंदी और आलू जो है मैंने मिक्स कर दिया है फॉर पानी पूरी का फिलिंग। और ये पूरी मैं बाहर से लेके आई हूँ, ये मुझसे परफेक्ट घर पे नहीं बनती, तो आप में से अगर किसी के पास रेसिपी है तो प्लीज मुझे बताइएगा। तो पहले मैं आपको पानी पूरी ही असेंबल करना बता देती हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है, फिर भी दिखा देती हूँ। चलो शोएब, चलो आओ एक पानी पूरी टेस्ट करो। ये देखो, बैठ के अपनी फोटो एडिट करेंगे, दिखाऊं? ये देखो शोएब, आ जाओ। अरे प्लीज देखो, फिर मैं वहां आ जाऊं। पैक तो करो। अच्छा जी, मेरा ही मुझको। ये देखो, तो ये मैंने इसमें फिलिंग डाली। मैं पानी पूरी सब टेस्ट करता हूँ, उसी में मैंने टेस्ट की थी। तो अच्छी बात है ना, जा तुमने अभी बनाई थी ना पानी पूरी। हाँ। फिर से चेक, कंटेंट रिपीट कर रहे। सही बना है? कुछ कम ज्यादा क्या? सिर्फ वो पानी के साथ
तो शोएब को मीठा पानी बिल्कुल नहीं पसंद है, वो सिर्फ तीखे पानी के साथ लेते हैं। तो ये हल्के से वार्म पानी में मैंने वड़े जो है वो भिगो के रखे हैं, लगभग 2-3 मिनट 5 मिनट आपको रखने पड़ेंगे। ये देखिए, फिर आप इसे इस तरह से बोल में डाल देना, इससे ज्यादा मत रखना वरना वो पूरा चटनी बन जाएगा। सो ये वड़े के ऊपर आप जितना आपके हिसाब से दही चाहिए वो डाल दीजिए। एंड फिर आप चटनी डाल दीजिए जितनी आपको पसंद है। सो ये जीरा पाउडर है, इसमें काला नमक और ये है लाल मिर्च। ये आप हमेशा मिक्स करके रखिए क्योंकि चाट के ऊपर ये तीन मसाले जरूर डलते हैं। ये आपने इसके ऊपर डाला। दिस इज टोटली ऑप्शनल, आप डालना चाहें तो इस पे फिर आप अनार भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल सकते हैं। दैट्स इट, आपका दही वड़ा सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। सो ये आप इसमें और बहुत एडिशंस कर सकते हैं अगर आप दही पूरी बनाना चाहते हैं। सो सेम स्टफिंग इन पूरी में डाल के, फिर उसके ऊपर चटनी डाल के, उसके ऊपर अनार प्याज टमाटर सब कुछ डाल के, उस पर दही डाल के आप वो सर्व कर सकते हो। सो ये था एक छोटा सा चाट टेबल बनाने का आइडिया। आपको अच्छा लगा हो और आप अगर बनाएंगे तो प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड बस तब तक स्टे सेफ स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर भी कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।